हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आंसर बुक में। दोस्तों, अगर आप घर बैठे बिना किसी इनकम प्रूफ के ऊपर इंस्टेंट घर बैठे जो है लोन लेना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इस लोन प्रोवाइडर की मदद से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज इस कंपनी के जरिए आप अवेल कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है और लगभग पूरे इंडिया में इस कंपनी का सर्विस जो है आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए अगर आप बिना किसी सैलरी स्लिप के ऊपर इंस्टेंट घर बैठे जो है लोन लेना चाहते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वैसे तो इस कंपनी के बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस कंपनी से गोल्ड लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं और यहाँ से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में जो है बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे और आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है अपलोड करने होंगे। और आई एम श्योर अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑफलाइन या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है ले सकते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आइए देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप कोई व्हीकल लोन आपने कभी ट्राई किया होगा तो आपको ऑप्शनल श्रीराम फाइनेंस भी जो है दिखाई दिया होगा। आप श्रीराम फाइनेंस की मदद से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू दूं आपको तो ये कंपनी बहुत लंबे टाइम से जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे इनका लोन का सेगमेंट है और भी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर आप श्रीराम फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है क्या होनी चाहिए। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, आपकी जो एज है वो कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 55 ईयर्स तक हैं तो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम का सोर्स है, चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं जैसे कि डॉक्टर्स और सीए, तो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ID एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना होगा। ID और एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पे अपना इनकम का प्रूफ शो करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सैलरी स्लिप अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप रिसीव होती होगी और आप बहुत ही आसानी से जो है अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यहां पे बैंक स्टेटमेंट अपना अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ITR वगैरह भी है तो आपको लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे भी लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक चेक देना होगा, कैंसिल चेक या फिर आप पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं जो कि आपके ई मैंडेट के जरिए जो है ये कंपनी यूज करेगी। जो भी आपने लोन लिया हुआ है उस लोन को ECH के थ्रू आपके अकाउंट से डिडक्ट करने के लिए। साथ ही साथ आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपका जो रेजिडेंस है वो कम से कम एक साल का जो है होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास वर्किंग प्रोफाइल में कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। यहाँ पे जो लोन आपको मिलने वाला है वो कम से कम 50,000 और मैक्सिमम आप यहाँ से अपने ट्रांजेक्शन्स, अपने इनकम सोर्स और आप अपने इनकम प्रूफ के ऊपर जो है मैक्सिमम लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे जो लोन का रीपेमेंट का टेनवर है वो 12 मंथ से लेकर 36 मंथ का जो है आपको दिया जाता है, जिसके जरिए आप उस लोन का भुगतान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है श्रीराम फाइनेंस में पर्सनल लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, आप अपने नियर अबाउट श्रीराम फाइनेंस के ब्रांच में जाइए और वहाँ पर पर्सनल लोन के लिए जो है आवेदन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप हम इनके वेबसाइट और इनके मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको इनके तरफ से जो है कॉल आएगा, एक लोकल अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी, एक हार्ड कॉपी एग्रीमेंट होगा जो कि आपसे ऑफलाइन जो है साइन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आपको लोन जो है यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। इस कंपनी का कहना है कि इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो, अगर हमारी सर्विसेज वहाँ पे है तो आपको बहुत ही आसानी से इंस्टेंट लोन मिल जाएगा।
आपका अगर एक लोन आप बहुत अच्छे तरीके से रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे लोन सेगमेंट में। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से जो है मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है श्रीराम फाइनेंस ने अपने वेबसाइट के ऊपर भी रिलीज किया हुआ है। अगर आप श्रीराम फाइनेंस के लिए लोन अप्लाई करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि श्रीराम फाइनेंस का नाम यूज करके बहुत सारे फ्रॉड ऐसे कंपनियां, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सैंक्शन लेटर आपको प्रोवाइड करती हैं, आपको यहाँ पे फ्रॉड करती हैं आपसे कि अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं श्रीराम फाइनेंस से तो आपको पहले कुछ पैसा देना होगा और आपको इमीडिएट जो है फंड रिलीज हो जाएगा। तो श्रीराम फाइनेंस ने अपने वेबसाइट पे ये साफ साफ से जो है नोटिस दिया हुआ है कि श्रीराम फाइनेंस के जरिए ऐसा कोई जो है सैंक्शन लेटर नहीं दिया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है आप जो है इनसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और अगर अभी तक आपने माइंड सर्वबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही लोन्स रिलेटेड अपडेट हमेशा इस चैनल के ऊपर देखने के लिए आपको मिलती रहेंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।